बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में। आप भी पुकारे, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में। देखो हम लोग चश्मा पहनते हैं, किसी की नजर कमजोर हो तो पहनता है, कोई धूप से बचने को पहनता है, कोई फैशन के लिए पहनता है। हरा चश्मा पहनोगे तो आपको हरा ही हरा सब दिखेगा, लाल पहनोगे तो लाल ही लाल दिखेगा, काला पहनोगे तो काला ही काला श्याम वर्ण का दिखेगा। एक साधारण चश्मे में वो सामर्थ्य है कि जिस रंग का चश्मा आंखों पर रख लिया आपको वही रंग दिखने लगेगा। तो हरा लाल पीला नीला काला चश्मा पहनने पर अगर संसार हरा लाल नीला पीला दिखता है, कहीं संतों की कृपा हो जाए, कहीं गुरुजनों की कृपा हो जाए, कहीं भक्तिमती मीराबाई जी की कृपा हो जाए और इन आँखों पे भक्ति का चश्मा पहन लिया, तो फिर सर्वत्र हमको हरा लाल नीला पीला नहीं बल्कि नीलांबर धारण किए श्री जी और पीतांबर धारण किए लाल जी का दर्शन होने लगेगा। प्यारे हाँ पुकारो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, हे बसो नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत हे मोहनी मूरत, सोहनी सूरत बंद करके दर्शन करें। मोहनी मूरत सोहनी सूरत, मोहनी मूरत सोहनी सूरत, नैना बने विशाल
बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, हे बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, 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 अधर सुधारस मुरली राजत। उर्वे जंती मां बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, हे बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, हे बसो मोरे नैनन में क्षुद्र घंटी का कटी तट शोभित, क्षुद्र घंटी का कटी तट शोभित, क्षुद्र घंटी का तटी तट शोभित, क्षुद्र घंटी का कटी तट शोभित, नूपुर सबद रसा रसा, ओ नूपुर सबद रसा, नूपुर सबद रसा, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन।
के द्वारा रचित हम लोगों को जैसे भजन अच्छे लगते हैं, किसी को किसी के गाए हुए, किसी को किसी के गाए हुए, ये तो हम लोगों की बात हुई, लेकिन श्री मीरा जी के पद, श्री नरसी जी के पद, श्री सूरदास जी के पद, श्री कृष्णदास जी के पद, नंददास जी के पद, इन अष्ट सखाओं के पद, स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पद, आचार्य परंपरा के पद, इन सब भक्तों के पदों के श्रोता कौन है? जिसे हम यहां गा रहे हैं तो आप बैठे हैं, आप श्रोता, हम वक्ता। प्रेमियों, जितना सामर्थ्य वेद मंत्रों में है ना भगवत प्राप्ति के लिए, उतना ही सामर्थ्य भगवत प्राप्ति के लिए इन भक्तों के पदों में है। क्यों? क्योंकि मीरा जी के पद सामान्य नहीं है, सूरदास जी के पद सामान्य नहीं है, नंददास जी, कृष्णदास जी, चीत स्वामी जी, कुंभनदास जी, इन सब के पद सामान्य नहीं है। इन सब पदों को सुनने के लिए एकमात्र श्रोता है इनके पास, और इन पदों को बैठ करके कौन सुनता है पता है? इन पदों को बैठ करके साक्षात श्याम सुंदर सुनते हैं। ये वेद मंत्रों से कम नहीं है, ये मीरा जी के पद, सूरदास जी के पद। आप अपने ठाकुर बाड़ी में, घर में बैठ करके कभी अपने लाल जी को चस्का लगा दो बस। अगर आप चाहते हो कि गोविंद आपके घर को छोड़कर कभी ना जाए, तो ठाकुर जी को चस्का लगा दो। जैसे छोटे बच्चे को हम लगा देते, थोड़ा लालच दे देते कि बेटा ये काम कर ले, अच्छे से पढ़ ले, तो तुझको हम ये दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, तो उस लालच में ही वो बच्चा वो काम कर देता है। फिर माँ से कहता, माँ मैंने ये कर लिया, होमवर्क कर लिया, मुझको टॉफी दे। उसी प्रकार अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल को आप चस्का लगाओ, अगर चाहो कि वो घर से बाहर ना जाएं, तो कुछ देर एकांत में बैठ करके उनको मीरा जी के पद सुनाया करो, उनको सूरदास जी के पद सुनाया करो। भले ही गाना ना आए, ये मत सोचना कि हमको तो गाना ही नहीं आता तो हम कैसे सुनाएंगे। ठाकुर जी राग से नहीं रीझते, ठाकुर जी तो अनुराग से रीझते हैं प्यारे। आप जैसे गाओगे उसी में वो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन चस्का लगाओ। हमारे
वृंदावन के शरणागत आश्रम वाले पूज्य भक्तमाली जी महाराज श्री हरिदास भक्तमाली जी महाराज तो कहा करते, वो कहते भैया अगर चाहो कि ठाकुर जी सदा सदा के लिए घर में विराजे तो इनको एक चस्का लगा दो, नित्य प्रति इनको भगवत चरणों में बैठ करके, भगवान के चरणों में बैठ करके भक्तों की कथा सुनाने लगो, और कभी तुम पे समय ना हो कितनी लंबी कथा कौन सुनाए तो थोड़ा ही सुनाओ, और कभी बिल्कुल भी समय ना हो तो कहना गोविंद कहीं जाना मत, कल आपको सूरदास जी की कथा सुनाएंगे, तुम्हारी इसी बात की प्रतीक्षा में तुम्हारे घर में बैठे रह जाएंगे, वो प्यारे विराजे रह जाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इन पदों से इन रचनाओं से गोविंद रीझते हैं। ये रचनाएं जैसे कल हमारे श्याम जी कहते कि महाराज जी आपका एक भजन है, मेरी विनती यही है राधा रानी, कम से कम दो तीन बार सुना देना, दो तीन बार सुना देना, क्योंकि अब तो आज का दिन भी गया, दो दिन शेष रहे हैं। तो जिस प्रकार आपके मन में जिज्ञासा हुई ना आपको ये भजन अच्छा लगता है, और आपका मन हुआ और आपने कह दी कि महाराज जी आप दो एक बार तो सुना ही देना, कोशिश करके प्रयास करके समय निकाल के, उसी प्रकार मीरा जी के पदों को सुनने के लिए श्याम सुंदर दिन रात व्याकुल रहते हैं, कोई तो आए और मुझे मेरे मीरा के भावों को श्रवण कराए, श्रवण कराए। इसलिए मौन मत रहो, पुकारो ठाकुर की प्रसन्नता के लिए गाओ। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदा, प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा प्रभु संतन सुखदाई। हे भगत बछल गोपाल, भगत बछल गोपाल, हाँ भगत बछल गोपाल, हो भगत चल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे I'm
विराज करके मीरा जी को प्रणाम करते हुए कह दो एक बार, हरी की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की, हरी की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की, हरी की राजस्थान की, हरी की प्यारी मीरा बाई। आपको तो गौरव राजस्थान की, आपको तो इतराना चाहिए, आपको तो इतराना चाहिए, पैसा हमारी है। बल्कि राजस्थान की बेटी है हमारे पूज्य गोवश्री राधा कृष्ण जी महाराज। जब मीरा चरित्र कहते तो वो मीरा बाई नहीं कहते, वो कहते मीरा जीजी, क्योंकि मारवाड़ से नाता है, तो मारवाड़ की मीरा जी। इसको कहते हैं संबंधानुरागी भक्ति। भगवान से कोई संबंध बन जाए और जब तक कोई नाता नहीं बनाओगे तब तक दूरी बनी रहेगी। हम इस बार भागवत हुई हमारे यहाँ, तो हमको भी सौभाग्य मिला। मुझे मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते, भैया रे अपने को ब्रजवासी ठाकुर जी का जन जब मानियो, जब कोई ब्रजवासी तुमको कह दे कि बाबा तो हमारो है, हमारो अपनो है, तो समझना ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, मोहर लग गई। तो इस बार की कथा में हमारा भी संबंध जुड़ा है जी श्री जी से। और वास्तविकता यह है कि अभी तक हम स्वामिनी हैं, हमारी तो मालकिन है श्री जी, लेकिन व्यासपीठ से जो बोला जाए वो तो साक्षात नारायण का वाक्य है। तो पूज्य इंद्रेश जी महाराज, उनके ठाकुर श्री गिरधर लाल जी और श्री जी गिरधर लाल जी के, तो उन्होंने कहा, आदरणीय श्री पूनम दीदी थी, हम तीन दोनों थे, तो उन्होंने कहा जी देखो जी, गिरधर लाल जी श्री जी के सर्वस्व हैं, प्राणधन हैं। तो दीदी से कहा कि गिरधर लाल जी या नाते, क्योंकि आप श्री जी को अपनी बहन कहो, तो या नाते ठाकुर जी आपके जीजाजी भय, जीजाजी भय। तो जीजी ने कहा हाँ मेरे जीजाजी हैं, श्री जी हमारी बड़ी जीजी हैं। तो हम दोनों भी मंच पे थे, तो इंद्रेश जी ने कहा बाबा चिंता मत करो, आप पूनम जीजी के भैया हो, तो या नाते श्री जी भी आपकी बड़ी जीजी है गई, तो लाल जी आपके भी जीजा जी हो गए, तो संबंध बन गयो हमारो भैया। संबंध बनना चाहिए ना। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई इस जन्म में इस अधम शरीर को व्यास पीठ पर बैठ करके ब्रजवासी ब्राह्मण वैष्णव भक्त ने हमको श्रीजी का अनुज भाई कह दिया, श्रीजी को हमारी बड़ी जीजी कह दिया और लालजी को हमारे जीजाजी बना दिए। तो निश्चित है किसी ना किसी जन्म में ये संबंध रहा होगा, तभी तो आज व्यासपीठ ने इस बात को स्वीकार किया। तो संबंध श्री ठाकुर जी के साथ होना बड़ा आवश्यक है और संबंध एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं आज लाला बना लिया, कल मित्र बना लिया, कल पति बना लिया, ऐसा नहीं। एक ही संबंध का निर्वाह होना चाहिए और जिस दिन संबंध बन गया उस दिन हम सदैव कहते हैं हम तो केवल कहना जानते हैं और मेरे गोविंद उस संबंध को निभाना जानते हैं, वो निभाना जानते हैं। इसलिए आपको गौरव होना चाहिए कि आप राजस्थान के हो और मीरा जी राजस्थान की। आपका तो अंतरंग संबंध है, मीरा जी कहीं और की नहीं, आपकी अपनी मीरा जी जी हैं, आपकी अपनी बाईसा है। इसलिए उत्साह से दोनों भुजा उठाकर कहिए, हरी की प्यारी मीरा बाई
गौरव राजस्थान की हरी की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की हरी की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की हरी की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की राजस्थान की गौरव राजस्थान की राजस्थान की गौरव राजस्थान की हरी की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की हरी की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान और श्री मीरा जी को कैसा प्रेम मिला इस धरती से मेड़ता ने ऐसा प्रेम दिया मीरा जी को आज तक मीरा जी को प्रेम मिल रहा कैसा जो द्वापर में बरसाने की जो द्वापर में बरसाने की जो द्वापर में बरसाने की जो द्वापर में बरसाने बेटी वृषभान की ओ जो द्वापर में बरसाने की बेटी वृषभान की हरी की प्यारी मेरा भाई गौरव राजस्थान की हरी की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की हरी की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की हरी और पुकारिए मीरा गिरधर गिरधर मीरा मीरा गिरधर गिरधर मीरा गिरधर मीरा मीरा गिरधर गिरधर मीरा मीरा गिरधर मीरा गिरधर गिरधर मीरा मीरा गिरधर गिरधर मीरा हाँ मीरा गिरधर गिरधर मीरा गिरधर गिरधर मीरा गिरधर मीरा गिरधर मीरा गिरधर मीरा गिरधर मीरा मीरा गिरधर गिरधर मीरा गिरधर गिरधर मीरा मीरा गिरधर गिरधर मीरा गिरधर गिरधर मीरा 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 पुकारिए बसो मोरे नैनन में नंदला बसो मीरा जी को सुनाया नहीं जा सकता मीरा जी को गाया ही जा सकता है बस उनको गाया जा सकता है इसलिए पुकारो बसो मोरे नैनन में नंदला थोड़ा ऊंचे सुर में पुकारी बसो मोरे हाँ बसो मोरे बसो मोरे नैनन में नंदला एक भाव हृदय में आ रहा है